हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो, जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 23 जून के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है, आषाढ़ का तिथि शुक्ल पक्ष की द्वितीया की तिथि है, मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है ध्रुव और करण है कौलव। और अगर व्रत पर्व और त्यौहार की बात करते हैं तो आज से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा आरंभ हो रही है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कर्ज की स्थिति बनेगी और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, रोग वगैरह भी आज आपको परेशान कर सकते हैं। तो आज आपको अपने स्वास्थ्य और अपनी आर्थिक स्थिति दोनों का बराबर ध्यान रखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, मानसिक तनाव और दबाव लेने से आपको बचना होगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक तनाव के कारण आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और कुछ चिंता, कुछ गुस्सा, क्रोध के चलते आज आप थोड़ा सा उत्तेजित रहने वाले हैं, कुछ परेशान रहने वाले हैं, विचलित रहेंगे, आज मन कहीं लगेगा नहीं। ओम विश्वमूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और यात्रा करने से आज आपको बचना होगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी चीज का, एक किसी बात का अनजाना भय, एक डर आपको अंदर से परेशान करेगा, उस डर को आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ओम नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और परिजनों के वाद विवाद से आप बचें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आज आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और भागदौड़ बहुत अधिक करने से आप बचें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पिछले दिनों आपने जहां कहीं भी पैसा लगाया था, धन का निवेश किया था, आज आपको पैसा बहुत अच्छे रिटर्न के साथ प्राप्त हो, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। ओम नमो भगवते विश्वमूर्तये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें और लंबी दूरी की यात्रा करने से आप बचें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते आप अपने काम को पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से आज करने का प्रयास करें। ओम अकलमशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और तनाव लेने से आपको बचना होगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक सफलता मिलने का दिन है, अगर आप किसी से डर के पीछे हट गए तो लोग आपको दबाना शुरू करेंगे, तो डरना और दबाना आपको आज नहीं चाहिए। ओम अग्नि गर्भाच्छिदे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश से आप बचें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक कलह इस समय आपके लिए चिंता का एक बड़ा कारण बना रहेगा, अपनी जिंदगी की सभी परेशानियों का अंत सिर्फ आप ही कर सकते हैं, ये सोच करके आपको अपनी समस्या का समाधान आज खोजना चाहिए। ओम अग्रगण्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए, ओम अग्रगण्य नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, किसी का दिल आप बिल्कुल ना दुखाएं। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज जीवन में सुधारपूर्ण बदलाव आने की संभावना दिखती है, ओम अजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और ब्राह्मण का अनादर अपमान करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए जटिल कामों से छुटकारा मिलेगा, आज आपको काफ़ी ऐसे अनुभव मिल सकते हैं जो आपको, आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। ओम अद्भुत मूर्तिमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी के गलत कार्य में उसका आप सहयोग बिल्कुल न करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सुख समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे, अपने काम करने के तरीके पर आज आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ओम अध्यक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, कुछ समय के लिए अपने मित्रों से आपको दूरी बनाना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए घर में धन और प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में भाग्योदय की स्थिति आपके लिए बनती है, ओम अनेकाचिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और दूसरों के वाद विवाद से आप दूर रहें। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे वास्तु शास्त्र में नैरक्त कोण यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है उसका क्या महत्व बताया गया है।
गृह स्वामी द्वारा नैरक्त कोण में रहने से, सोने से या फैक्ट्री, दफ्तर, दुकान आदि में वहाँ अपना ऑफिस बना करके, गद्दी आदि बना करके बैठने से बाकी सभी लोग उसके कहे अनुसार कार्य करते हैं, आज्ञा पालन में कोई विरोध नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि अगर घर में परिवार का जो मुखिया है, जो घर का प्रधान व्यक्ति है, जो गृह स्वामी है, अगर वो साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, नैरक्त कोण में अपना कमरा बना करके रहता है, मालिक जो है वहाँ रहता है, तो उसका नियंत्रण, उसका कंट्रोल अपने परिवार के सभी सदस्यों पर बराबर बना रहता है। चाहे वो कितना ही वृद्ध हो जाए, रिटायर हो जाए, चाहे कोई भी हालत हो, हर व्यक्ति उसका आदर सत्कार करता है और उसकी आज्ञा का पालन पूरे नियम से होता है। इसी तरीके से अगर मालिक जो है फैक्ट्री में या अपने ऑफिस में साउथ वेस्ट कॉर्नर में बैठता है, तो उसका कंट्रोल पूरा अपने बिजनेस पर और अपने एम्प्लॉयज़ पर, अपने कर्मचारियों पर सदैव बना रहता है। अपने अधीन कर्मचारियों को इस स्थान पर नहीं बैठने देना चाहिए, अन्यथा उसका प्रभाव आपसे अधिक हो जाएगा। और इस स्थान को कभी भी किराए पर नहीं देना चाहिए। अगर आपने इस जगह को किराए पर दे दिया, तो जो भी किराएदार होगा वो मालिकाना व्यवहार करने लगेगा और आपकी प्रॉपर्टी पर उसका कब्जा हो जाएगा। फिर आप उसका कब्जा जो है कभी छुड़ा नहीं पाएंगे। आपकी प्रॉपर्टी जो है फिर वो डिस्प्यूट में चली जाएगी, विवादित हो जाएगी। नैरक्त दिशा में यदि शौचालय, टॉयलेट हो या रसोई घर, किचन का निर्माण हुआ हो, तो गृहस्वामी को सदैव स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मुश्किलें बनी रहती हैं। अतः इन्हें सर्वप्रथम वहां से हटाना चाहिए। हमारे अपने वास्तुशास्त्र में बहुत छोटे छोटे मैंने इसके लिए उपाय बताए हैं। इसका छोटा सा उपाय ये है कि नैरक्त कोण में पीले रंग का एक बल्ब जो है, 0 वॉट का बल्ब, अगर किसी भी प्रकार का वहाँ दोष है, वहाँ मालिक नहीं बैठता, वहाँ पे किचन है, वहाँ टॉयलेट है, आप उसको तोड़फोड़ नहीं कर सकते, तो एक काम तो सबसे पहला तुरंत किया जाना चाहिए तत्काल प्रभाव से, कि 0 वॉट का पीले रंग का एक बल्ब वहाँ जला करके छोड़ दीजिए। इससे आपको काफ़ी हद तक सहायता मिल जाएगी, काफ़ी हद तक आपको उस उपाय को करने से राहत मिल जाएगी। सेप्टिक टैंक जिसे शौच कूप भी कहा जाता है, उत्तर पश्चिम दिशा में बनाना सर्वोचित बताया गया। हमारे यहाँ नॉर्थ वेस्ट में वायव्य कोण में सेप्टिक टैंक का प्रावधान वास्तुशास्त्र में रखा गया है। यदि वहाँ संभव ना हो पा रहा हो, तो ऐसे में फिर आप पश्चिम में बनाएं, उत्तर पूर्व में बना सकते हैं, उत्तर दिशा में बना लें, पूर्व दिशा में बना लें, लेकिन नैरक्त कोण में, वास्तुशास्त्र के हिसाब से नैरक्त कोण में, ईशान कोण में, दक्षिण की प्रॉपर साउथ के डायरेक्शन में, ब्रह्मस्थल में और अग्नि कोण में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में सेप्टिक टैंक भूल से भी, गलती से भी नहीं बनाया जाना चाहिए। प्लॉट या मकान के नैरक्त कोण में बना हुआ कुआं या फिर अंडरग्राउंड जल का कोई भी स्थान होगा, भूमिगत जल का कोई भी संसाधन होगा, पानी की टंकी होगी, बोरिंग वगैरह होगी, तो ये भयंकर हानि करती है। इसके कारण अकाल मृत्यु, हिंसा, अपयश, धननाश, खराब प्रवृत्ति, आत्महत्या, जीवन में प्रगति के मार्ग में संघर्ष आदि की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। परिवार के सदस्यों में झगड़े होते हों, तो परिवार का मुख्य व्यक्ति रात्रि को अपने पलंग के नीचे एक लोटा पानी रख करके सोए और सुबह गुरु मंत्र अथवा कोई भी भगवत नाम का उच्चारण करके वह जल पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दे। इससे पारिवारिक कलह क्लेश दूर होते हैं और घर में शांति होती है। ये उपाय आप किसी भी शनिवार से आरंभ करके 45 दिन तक करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। उसका कारण कुछ भी हो, गृह क्लेश का कारण कुछ भी हो, ग्रह बाधा हो, वास्तु दोष हो, ये उपाय करने से फायदा बहुत अच्छा मिलता है। झाड़ू और पोछा किसी ऐसी जगह पर आपको नहीं रखना चाहिए कि बार बार वो नजरों में आए। भोजन के समय भी यथासंभव न दिखे, ऐसी सावधानी आपको रखनी चाहिए। झाड़ू पोछा की जगह एक आपको ऐसी रखनी चाहिए जहां से वो फिर किसी को दिखाई ना दे और उस पर बारिश, धूल, पानी वगैरह, रोशनी वगैरह ना पड़े। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए रोज पोछा लगाते समय थोड़ा सा नमक, समुद्री नमक थोड़ा सा उसमें आपको मिला करके उससे पोछा लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घटता है। घर में टूटी फूटी तथा अग्नि से जली हुई प्रतिमा की पूजा नहीं की जानी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से गृहस्वामी के मन में उद्वेग या घर परिवार में अनिष्ट होता है। ये वाराह पुराण में इसका रेफरेंस, इसका संदर्भ प्राप्त होता है। 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा घर के प्रत्येक कमरे में तथा कार्यालय के किसी कोने में अवश्य रखना चाहिए। इससे वास्तु दोषों से सुरक्षा सदैव होती रहती है।
किसी दुकान या प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर काले कपड़े में फिटकरी बांध करके लटकाने से बरकत आती है। दक्षिण भारत और अधिकांशतः दुकानों के मुख्य द्वार पर फिटकरी बांधने का रिवाज जो है बहुत पुराने समय से हमारे संस्कारों में व्यापारी वर्ग के बीच में चलता चला आ रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि छोटे छोटे उपाय और टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं, ये निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभववन। नमो नारायण। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभववन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।